नमस्कार दोस्तों, अमित टेक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो भी हमारे किसान भाई हैं जिनकी बाधित किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की या तेरहवीं किस्त नहीं आई है, उनकी कब आएगी। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनकी 12-13 दो किस्तें नहीं हैं, या कुछ लोगों की ऐसी हैं कि जिनकी बाधित किस्त तो आई थी लेकिन तेरहवीं नहीं आई, और कई सारे ऐसे भी किसान हैं जिनकी 3-3, 4-4 किस्तें जो है पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, और वो लोग यही आस लगाए बैठे हैं कि हमारी किस्त आ जाएगी, कल आएगी। वो लोग जो है डेली का डेली अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी वो किस्त कब तक आ सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि की बारहवीं किस्त तेरहवीं किस्त नहीं आई है, सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करिए। स्टेटस में देखिए क्या दिक्कत है। आपके स्टेटस में जो भी दिक्कत है, NPCI नहीं लिंक है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, पहले तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सही करवाइए। इसके बाद आपकी ये जो चौदहवीं किस्त जब आएगी तो उसके साथ में जो भी आपकी पेंडिंग किस्तें हैं वो भी आ जाएंगी। जो 1-2-3 किस्तें पेंडिंग है वो आ जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्टेटस में जो है जो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है उसको सही कराइए। जब आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी तो आप फिर से एक बार स्टेटस चेक करिए कि आपके स्टेटस में प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, कि आप जो है बैंक में कागज़ लगा दिए या फिर कहीं दूसरी जगह कागज़ लगा दिया, आप सोचे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपके स्टेटस में वो शो करने लगेगा। जब आपके स्टेटस में सब सही दिखने लगे तो आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। जब भी आपकी चौदहवीं किस्त आएगी तो जो भी आपकी 1-2-3 किस्तें पेंडिंग है वो सब साथ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित और कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट करके पूछें, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।